नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर पटना से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक राजधानी पटना के राज्य कार्यालय में शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी कार्य समिति सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को सर्वसम्मति से दूसरी बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। श्री पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने दिया, जिसका वहां मौजूद सभी सदस्यों ने एक साथ हाथ उठाकर अनुमोदन किया। इस मौके पर नवनियुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 28 नवंबर 2000 को बनी यह पार्टी अपने संस्थापक अध्यक्ष पद्म भूषण स्वर्गवासी रामविलास पासवान की बताए रास्ते पर चल रही है और मुझे भरोसा है कि हम जनता, जो लोकतंत्र में मालिक होती है, उनके साथ स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि रालोचपा एनडीए गठबंधन का पुराना, ईमानदार और सबसे विश्वासी सहयोगी है और आगे भी बना रहेगा। साथ ही राजनीति में जब तक हम जिंदा हैं, एनडीए के साथ बने रहेंगे और हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहेंगे। हम हाजीपुर के सांसद हैं और आगे भी बने रहेंगे, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में एनडीए में कई दल शामिल हुए हैं, मगर यह गारंटी नहीं है कि वे सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर एनडीए में बने रहेंगे। वे लोग विरोधी खेमों को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। मैं हाजीपुर का सांसद हूं। पासवान जी अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पुत्र उत्तराधिकारी मुझको चुन के भेजा और हाजीपुर की महान जनता ने मुझको 2.5 लाख मतों से जिता करके पार्लियामेंट हाउस में भेजा और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। आपको भूख लगी है, खाना मिलेगा तब ना खाओगे? दावा क्या होता है? जमुई से हजारों लोग लिख रहा है चिरागपा के खिलाफ। चल, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, झोपड़ी के लाल कहे जाते थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है, उनकी नियत और नियत साफ है। और 22 जनवरी को जो रामलला का जो पूजा हुआ, पूरा विश्व, देश नहीं पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति से देखता है। और बात, भगवान राम की कृपा होगी और जनता की कृपा होगी, एनडीए गठबंधन को बहुमत 400 से पार मिलेगा और बिहार में हम 40 में 40 से जीतेंगे। किसान आंदोलन चल रहे हैं, पारस जी आज की मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए? किसान आंदोलन जो है भी उसकी भी समस्या का समाधान किया जा रहा है। जो मुंडा जी भी नए नए कृषि मंत्री जी हुए हैं, उन्होंने काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत प्रेम से किसान के जो बड़े लीडर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको उन्होंने घर पर बुला के उनसे जा कर के मिल के उन्होंने उनकी बात को सुनी है, उनका क्या की मानसिस है। और मुझको पूरा विश्वास है 1 सप्ताह के अंदर में किसान का जो आंदोलन है वो बिल्कुल समाप्त। ऊंची जाति के जो गरीब हमारे भाई है, उनके भी हित की बात हमारे पवित्र है। स्वर्गीय हमारे भाई साहब के समाज में जो आर्थिक कमजोर तबका था, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको उन्होंने समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। यही कारण है कि उन्होंने 83 में मैदान में दलित सभा का गठन किया कि उसमें समाज में गरीब लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। पासवान जी संसद के अंदर में और संसद के बाहर में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज 2024 में 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और हमारी पार्टी को करना तो सब बढ़िया से करे और हम एनडीए गठबंधन के और परमानेंट सहयोगी हैं और पूरे देश में
नरेंद्र मोदी की हवा है, नरेंद्र मोदी को लोग अपना नेता मानता है, देश ही नहीं। आपने देखा होगा कि विदेशों से भी रिपोर्ट आया है, 80 से 85% पूरे विश्व की जनता नरेंद्र मोदी को अपना सम्मान नेताओं के रूप में मानता है। आज कुछ माह पहले पांच स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें दोस्त के आई बहनों से एनडीए की सरकार बनी। देखा होगा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सदन बुला के हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, कैमरा मुंह में घुसा दिया और पीछे नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब खराब लग रहा है, 80 करोड़ लोगों को, ना हम तो पीछे थे तो बढ़िया लग रहा था, बहुत खराब किया। मत करो, जो हमारे गरीब लोग थे, जो पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जा सकती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है देश का मौलिक अधिकार है, किसी भी गरीब व्यक्ति को मेरा प्रयास रहेगा कि मर के नहीं मरे। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया का अनुदान दिया और आज लाखों गरीब परिवार मौत के मुंह से जी रहे हैं। तो हम लोग लगेगा किसान को उन्होंने सब सुन लिया, महिलाओं को लंबित 25-30 वर्ष पहले से जो कांग्रेस के रिजिम में मामला लंबित था, महिलाओं के आरक्षण की बात थी, उसको उन्होंने लोकसभा में सर्वसम्मति से, विपक्ष का हिम्मत नहीं हुआ और सर्वसम्मति से उन्होंने लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पास किया। उसी तरह से आपने देखे भैया पीएम विश्वकर्मा योजना, अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना का उन्होंने आविष्कार किया और 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी और बैंक को उसने आदेश दिया, उन्होंने आदेश दिया कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर आप बिना किसी गारंटी के आप उस कारीगर को सामान खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए पैसा दो। ऐसा प्रधानमंत्री को कहाँ मिलेगा, जो दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, जाति के गरीब लोग हो। उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, पटना के गवर्नर हाउस में रहने वाला व्यक्ति कोविंद जी को, जो राज्यपाल के पद पर थे, उनको उठा करके भारत सरकार का राष्ट्रपति बनाया, एक दलित परिवार को बनाया। दूसरा मौका जब उनको मिला, उन्होंने गांव के गरीब आदिवासी महिलाओं को उठा करके उन्होंने भारत सरकार, भारत के मुख्य मांग पर रखा और देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने आसीन किया। ये है नीति और नियत हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, जो नीति है पार्टी का, जो संविधान कहता है, उनकी नियत भी वही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, अकलितों के प्रति, वो मुझको लगता है कि साक्षात वो भगवान के रूप है। और मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका ललाट चमकता है, मैं उनको देखता हूँ, अपार शक्ति और अपार बुद्धि है उनमें। तो साथियों, और अभी आपने देखा होगा कि G20 का सम्मेलन पूरे देश में अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरे विश्व में नाम कमाया। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को मैं भी गया था अयोध्या, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री जी ने दिलाया और 11 दिन तक भूखे प्यासे सिर्फ नारियल पानी पी के उन्होंने भगवान राम की पूजा की। ये देश के लिए बहुत सौभाग्य है। और इतना ही नहीं उन्होंने किया, समाज के जो सबसे गरीब तबका का लोग था, या सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, लालू जी, अरे झकास दिखना चाहिए, हाँ भैया, लालू जी बोले हैं नीतीश जी को कि दरवाजा खुला हुआ है, उसके लिए बंद कब हुआ है नीतीश जी के लिए, एकदम साफ फिर से ऑफर कर दिए लालू जी। देखिए, हम बड़े नेता हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको हम सलाह देंगे दरवाज़ा बंद रखिए, नहीं तो बाकी लोग जो अंदर है वो बाहर भाग जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से जो लोकसभा का चुनाव, सीटों को लेकर कई सारे समीकरण तय हो रहे हैं, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, खासकर अगर आपकी पार्टी और LJP चिराग गुट की बात करें,
हाजीपुर का दावा दोनों का है, लेकिन जिस तरह से भी राज्यसभा सीट के लिए जो तय होना था वो हो गया, आगे क्या कहेंगे इसको लेकर? कहीं ना कहीं संशय काफी सारे हैं। संशय यहाँ नहीं है, जिनके पास है वो बजाए जा रहे हैं। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, अच्छे से हैं, मान सम्मान के साथ हैं और काम कर रहे हैं। हम लोगों का मेन मकसद ये नहीं है कि भाई क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो दूसरे लोगों का काम है। इसीलिए वो 2020 का चुनाव अकेले लड़ें, एनडीए के खिलाफ में लड़ें, या भविष्य में वो क्या करने वाले हैं उनका उनको तय करना है, उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन आज की मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जोर से कहा है, दावे के साथ कहा है कि हम लोग एनडीए के हिस्सा थे, हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि एनडीए जो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हम उनकी विचारधारा के साथ हैं, वो गरीब शोषित पिछड़ा दलित महिला सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी उत्थान की बात करते हैं, और हमारे जो स्वर्गीय रामदास पासवान जी उनकी विचारधारा के साथ वो काम करते हैं, उनकी विचारधारा को आगे लेके वो चल रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो लोग इस विचारधारा के साथ नहीं हैं, जिनको किसी चीज़ की लालच या किसी चीज़ का उन लोगों को आशा है, वो अपने राह पे निकले हैं। मतलब चिराग पासवान को आप बहुत लोग हैं उनके, हम सिर्फ उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। इंडिया गठबंधन देख लीजिए भाई, वो क्या है? यही है ना, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, उसकी क्या नीति है, यही तो है। तो जो इस रास्ते निकल गए हैं उनके बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उसका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एनडीए 40 में से 40 सीट जीतेगी बिहार में, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक अहम उसमें भूमिका रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो 17 सालों में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, हमने 17 महीनों में किया, भले वो पलटी मार दिए, लेकिन फिर एक बार कह रहे हैं कि गार्जियन है। ये तो बात उन्होंने सही कहा, हम अक्सर इस बात को बोलते आ रहे थे कि भाई जो पिछला जंगल राज था उससे बड़ा जंगल राज हमें देखने को मिला है, या उसकी बात कर रहे हैं हमें लगता है आप जो दिन दहाड़े विकास हमने किया, विकास जो और जो मर्डर वो हो रहा था वो कौन करा रहा था, वो कौन कर रहा था, वो किसके प्रदेश में हो रहा था, लूट किसके प्रदेश में हो रहा था, दिन दहाड़े बैंक को कहाँ लूटा जा रहा था। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बन गई, जो शिक्षा की स्थिति बन गई, जो खुद तो वो मिनिस्टर थे हेल्थ के, जो हेल्थ का जो स्वास्थ्य का जो स्थिति बन गया वो किसकी किसके राज्य में हुआ, उसका क्रेडिट भी लेना भाई, भाई वो उसका भी क्रेडिट लेना। हमने पहले भी कहा था जो पूर्व में जो जंगल राज हम लोगों को देखने को मिला इस बार उससे बड़ा है, क्योंकि जब पूर्व में तो आप एक आकलन करके देखिए भाई, उस वक्त जब जंगल राज था ना मोबाइल था ना टेलीफोन था ना टीवी था ना कुछ था, कहीं घटना घट जाता था बहुत देर बाद किसी को पता चलता था तो अपराधी में हौसला रहता था कि भाई कोई घटना करके निकल जाए। लेकिन आज के दिन इतना तकनीकी विकास हुआ है, मोबाइल है, टीवी है, आप लोग हैं, सबको हर जगह है, तब भी अगर किसी अपराधी का हौसला इतना मजबूत रहता है तो जंगल राज नहीं है तो क्या है। हमें लगता है तेजस्वी जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे जो 17 साल में पहले नहीं हुआ, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो जंगल राज का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। एनडीए के राज में अपराध नहीं होगा, मतलब कि नीति और नियत, हम लोगों की नीति नियत साफ है, हम लोग एक अच्छा वातावरण, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, और गरीब शोषित पिछड़ा युवा महिला सबके उत्थान की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। कोई आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यूपी में आप जाके देख लीजिए कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। पहले वहाँ पे औरतें क्या, लड़कियाँ महिलाएं क्या, आदमी शाम रात में निकलने से डरता था, आज के वहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, हमें पूर्ण विश्वास है। राजू तिवारी ने कहा है कि हम व्यक्तिगत विरोधी नहीं है नीतीश कुमार के, नीतियों के विरोधी है, जब चिराग पासवान भी बोले। अरे तो देखिए वो क्या बोलते नहीं बोलते हैं अपने बात से कॉन्ट्राडिक्ट, तो स्वतंत्र हैं उस वो डिसीजन लेने के लिए, जैसे उन्होंने 2020 में डिसीजन लिया था इस बार भी वो स्वतंत्र हैं, उनको कौन रोक रहा है? आप लीजिए ना निर्णय, आप उतरिए ना, आप चुनाव में उतरिए, उनके नीतियों के खिलाफ उतरिए, उनके सिद्धांतों के खिलाफ उतरिए, आप उतरिए। आप उनका विरोध कर रहे हैं, वो एनडीए का हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है, हम लोगों ने उनका स्वागत किया है, आपको नहीं करना है तो ये आपकी आपकी अपनी अपनी राय है, आप उतरिए चुनाव में, उनके खिलाफ उतरिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दावा कर रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर, उधर चिराग जी भी दावा कर रहे हैं, ताकि लड़ेगा कौन, दोनों दावा कर रहे हैं कि मेरा सीट है, मेरा सीट। अरे देखिए भाई, आप कौन सी न्यूज वाले हैं पता नहीं है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में एक ही चैप्टर मौका मिला है हमारे गार्जियन के नेतृत्व में काम करने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम महिला प्रकोष्ठ, क्योंकि हमेशा मैं ये बात कहना चाहती हूँ आज इस मंच से कि हम महिलाओं को हमेशा यहाँ सम्मान दिया गया है, और हम लोग ये संकल्प लिए हुए हैं कि जब तक हम हैं राजनीति में तो हम इसी पार्टी में रहेंगे और हमेशा इस पार्टी को बुलंदी पे ले जाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम महिला प्रकोष्ठ से फिर से सर को एक बार धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ वक्त बहुत कम है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।